हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं सीटेट 2024 की पहली क्लास। जी हाँ, जो आपका सीटेट अब जुलाई 2024 को, जुलाई और अगस्त के बीच में ही आपका सीटेट होने वाला है। तो जो आपका सीटेट जुलाई 2024 होने वाला है, उसकी आज पहली क्लास है। आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो जबरदस्त क्लास करेंगे और जल्दी तैयारी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो है इसलिए जल्दी कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से हो सके। और जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो सारी चीजें एक एक करके बिल्कुल बेसिक से लेके हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। और पूरा बैच आपका चलेगा, इसमें आपके जो है क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसमें आपके सबसे पहले तो हम क्लास वन क्लास टू करके प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। इसमें प्रैक्टिस क्या, इसमें भी PYQs ही मोस्टली आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे। उसके साथ में हम लेक्चर वीडियोस करने वाले हैं, जो आपके टॉपिक वाइज क्लास रहेंगे। तो सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगे आपके, और उसमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा, जिसको हम लेक्चर वीडियो कह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपका सिलेबस एक साइड से बिल्कुल एक एक करके सारे टॉपिक्स आपके कवर होते चले जाएंगे। और उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस और साथ में टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तो मतलब कुल मिला के एक कॉम्बो तैयारी हम इस तरह से करेंगे कि आपका सीटेट में जबरदस्त नंबर आए। इस बार मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि सिर्फ पास होगा, बल्कि अगर आप अभी से सीटेट की तैयारी स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज से ही अगर आप पहली क्लास से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो कम से कम 130-135 तक आपका स्कोर जाएगा। 150 नंबर का हमारा पेपर होता है, 130 प्लस आपका स्कोर जाएगा, इस बात की गारंटी है अगर अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो। अगर अभी मैं बात करूं, जो अभी सीटेट हुआ है आपका, सीटेट जनवरी 2024, उसमें हमारे जितने भी बच्चे हैं उसमें हमारा 86% रिजल्ट आ रहा है। पोल डाल के हमने देखा था, आप लोग भी जाके देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। तो उसमें हमारे 86% बच्चे पास हैं, 86% मतलब। और सीटेट का ऑल अगर बात करें, पूरे सीटेट का जो रिजल्ट है वो 16-17% है और हमारे 86% बच्चे पास हैं। तो सोचो हमारी क्वालिटी क्या होगी, हमारा पढ़ाने का तरीका या स्टडी करने का तरीका। और जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो बहुत अच्छे से पता है, तो जो पुराने स्टूडेंट है वो फीडबैक भी जरूर देना क्लास में, इसमें कमेंट में अपना फीडबैक देना, ताकि नए बच्चे उसको पढ़ के उन्हें पता चल सके कि किस तरह से हम तैयारी करते हैं। बाकी जितने भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी से फटाफट से, और साथ में बेल आइकन दबा लो। कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबाना है और आपका सीटेट पास हो जाएगा रेगुलर, अगर आप क्लास करते हैं। गारंटी दे सकता हूं मैं आपको, इसमें डाउट की बात भी नहीं है, मैं आपको दिलासा देने वाली बात ही नहीं करता। 86% रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, वो भी इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल लास्ट में एक दिन या दो दिन पहले चैनल सब्सक्राइब किया था। एवरेज सभी का मिला के मैं बता रहा हूँ, अगर वो 10-15 दिन पहले भी ज्वाइन कर लेते ना सीटेट को, तो हमने लास्ट में इतनी जबरदस्त क्लासेस की थी कि 100% ही रिजल्ट चला जाता। तो जिन बच्चों का इस बार सीटेट रह गया है, जो अब या फिर जो अब फ्रेशर है, जो अब सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार सीटेट देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ साथ में हमारे। गारंटी है ऐसी तैयारी आपको पूरे YouTube पे क्या, पेड कोर्सेज क्या, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी सीटेट की तैयारी नहीं मिल सकती। आज की क्लास से आपको समझ आ जाएगा, जबरदस्त तैयारी चलती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को फटाफट से। एक बार मुझे ये बता दो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच चुका है और वॉइस वगैरह क्लियर है, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, फटाफट से मुझे एक बार ये बताओ कमेंट करके कि वॉइस वगैरह आप तक क्लियर पहुंच रही है, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, जितने लोग भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, नए पुराने जितने भी बच्चे हैं, बस आपके एक लाइक चाहिए होता है। ये मेरा लालच कह सकते हो। देखो, मैं कोई पैसे वैसे तो लेता नहीं हूँ आपसे कि आपसे जो है क्लासेस के चार्ज करें, फ्री सारी क्लासेस चलती है। बस एक लाइक बटन आपका चाहिए होता है, उससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। तो आपके लिए मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आप मुझे मोटिवेट करो, साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। तो लाइक हमारी चलनी चाहिए, और आज पहली क्लास है तो कम से कम भी नहीं तो इस पे 1000 लाइक का टारगेट तो रखेंगे, है ना, इतना तो मिनिमम होना चाहिए। तो जल्दी से फटाफट से एक बार जो है, सब लोग इसको जो है फटाफट से एक बार लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। और जितने नए स्टूडेंट हैं उनको एक चीज और बतानी है, क्योंकि पहली बार क्लास कर रहे हैं आज, तो इसके साथ में आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। हालांकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको अलग से भी करवाऊंगा, लेकिन आप यूट्यूब पे जाओ डायरेक्टली और अभी सर्च करना सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस ये लिख के सर्च करना है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपके सामने ये क्लासेस आ जाएंगी। दो क्लासेस हैं, मैराथन क्लासेस है दोनों ही। एक PYQs का मैराथन है जिसमें 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है, और ये एक ऑल सब्जेक्ट के ऑल सेट्स वाली है। तो ये दो क्लासेस आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो इसकी, और बाद में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अलग से कराऊंगा अभी। उसके अलावा नोट्स जरूर ले लेना, जितने भी नए स्टूडेंट है वो नोट्स जरूर ले लेना, क्योंकि नोट्स से आपका पूरा पेपर फंसता है। ये हम हर साल देखते आ रहे हैं, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट है सबको पता है, नोट्स बहुत ज्यादा सटीक है।
100% पेपर आपका इसी में से फंस जाता है। लगभग ये मान के चलो कि 130 नंबर तक का आपका नोट्स में से फंस जाता है। तो क्लासेस में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और नोट्स से आपको लिखित में पढ़ने को मटेरियल मिल जाएगा कंप्लीटली। इसके बाद आपको ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कहीं और से कुछ मटेरियल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ नोट्स पढ़ लिए उस काम खत्म हो गया, पूरी तैयारी आपकी उसी से हो जाएगी। नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? ये हमारा ऐप है एस टीचर अकेडमी नाम से, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना, इस तरह से आपके आ जाएगा, वहां से इंस्टॉल कर लेना, फिर अपना फोन नंबर डाल के उसको लॉग इन करना, और फोन नंबर डालने के बाद जो है उसमें एक पासवर्ड आपके पास ओटीपी आता है, वो डाल के लॉगिन हो जाएगा। वहां से आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर सारे मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको ऐप पे ही मिल जाएगी। तो ऐप डाउनलोड करो फटाफट से, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हाँ जी, एक बार मैं आपके कमेंट भी देख लूं। यस सर, सर जी मेरे पास आपका नोट्स है, वेरी गुड। दोनों पेपर की तैयारी करना है? हाँ, दोनों की चलेगी। कुछ सब्जेक्ट तो आपके कॉमन रहते हैं और कुछ अलग अलग रहते हैं, फर्स्ट पेपर का अलग और सेकंड का अलग। जैसे आपका ईवीएस केवल फर्स्ट पेपर का है, एसएसटी केवल सेकंड पेपर का है, तो कुछ चीजें हैं। अब सीडीपी है जैसे, हाँ जी बिहार स्टेट। चलिए बीच बीच में मैं आपके कमेंट लेते रहूंगा, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। वीडियो अभी आधे लोगों ने ही लाइक की है, भाई वीडियो लाइक करो फटाफट से, इस चीज में कंजूसी मत करो, जल्दी से कर दो एक बार, है ना। हाँ, तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी का क्लास, और चलिए तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका प्रथम भाषा, दूसरा है आपका द्वितीय भाषा, तीसरा गृह भाषा, फोर्थ है आपका मातृभाषा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे और उसके बाद जो है हम इसको समझकर सारी चीजें आगे बढ़ते रहेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में। कोई डाउट आएगा, कोई शब्द ऐसा है जिसका अर्थ समझ नहीं आ रहा है, कोई लाइन ऐसी है जिसका अर्थ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी ए टू जेड, तो फौरन उसको कमेंट में लिख देना, हैंड टू हैंड आपको मैं सारे डाउट क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए फटाफट से, सर मैं जनरल से हूं, मेरा 86 नंबर आ रहा है, क्लियर हो जाएगा क्या? श्याम जी, जनरल वालों का 90 पे क्लियर होता है, 86 पे नहीं होगा, है ना। अगर आप जनरल से हैं तो 90 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। देखो अब यहां पे बात करें तो आपकी औपचारिक स्थितियों में और किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। तो बस इसमें दो चीजें मिल गई आपको जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो है स्कूल में ही हो रहा है, जो आपकी भाषा सिखाई जा रही है। अभी अध्यापक तो स्कूल में सिखाएगा ना, घर आके तो सिखा नहीं रहा अध्यापक। तो अध्यापक अगर सिखा रहा है तो आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी, यानी कि आपकी द्वितीय भाषा होगी। इतना आप जो पुराने बच्चे हैं उनको पता ही है, जो नए स्टूडेंट है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। भाषा दो प्रकार से सीखी जाती है, एक तो भाषा का अर्जन होता है और एक भाषा का अधिगम होता है, ठीक है। एक क्या होगा? एक भाषा का अर्जन होगा और दूसरा भाषा का अधिगम होगा। अर्जन जो है वो आपका घर पे, यानी कि आपके समाज में, यानी कि इसको इस तरह से समझो, जब बच्चा पैदा होता है तो अपने माता पिता से ही बातें सुनता है, अपने भाई बहनों से, अपने चाचा चाची, जो परिवार के लोग होंगे, जो परिवार के लोग होंगे वो आपस में बातचीत करते हैं तो उनको सुनता है, और हम बच्चे से खुद भी बात करते हैं, चाहे बच्चा बोल नहीं रहा है लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ उससे बातें करते रहते हैं, है ना। तो वो बच्चा सुन सुनकर जो भाषा सीख रहा है घर पे ही अपने, फिर जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, फिर 2 साल का हो गया, तो वो उसका अनुकरण करना स्टार्ट कर देता है, इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है। जो भाषा हम बोलते हैं बड़े लोग, उसको ही सुन करके वो उसको रिपीट करना, उसी को अनुकरण करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो भाषा सीखी जा रही है ये उदाहरण है आपका भाषा अर्जन का, ठीक है। किसका? भाषा अर्जन का। तो ये आपके समाज में सीखी जा रही है और ये स्वाभाविक रूप से, अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, यानी कि जहां पर कोई नियम कानून नहीं होते, एज एवे ही, मतलब अपने आप ही बच्चा सीख रहा है खुद से ही। तो जैसे ही हम समाज में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, स्वाभाविक रूप से सीख लेता है बच्चा, तो ये तो होता है अर्जन। लेकिन जब हम बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाते हैं और बिल्कुल व्याकरण के माध्यम से बिल्कुल शुद्ध भाषा सिखाते हैं, जो कि स्कूल में जाने के बाद सीखी जाएगी, तो जब बच्चा स्कूल जाने लगेगा और स्कूल में जाकर टीचर उसको सिखाएगा, तो ये हो जाता है भाषा अधिगम, ठीक है। तो अब जो आपकी भाषा अर्जन हो रहा है वो तो आपकी प्रथम भाषा होगी, जो घर पे सीखी जा रही है वो प्रथम भाषा, यानी कि उसी को मातृभाषा कहते हैं जो घर पे सीखी जा रही है समाज में। तो यहाँ पे ना तो आपकी प्रथम भाषा है ये,
ना ही गृह भाषा ना ही मातृभाषा, क्योंकि ये तीनों का ही अर्जन होगा। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है स्कूल की, यानी कि अध्यापक के द्वारा। तो जब बच्चा स्कूल में जाके अध्यापक के द्वारा सीख रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा, और अधिगम जो होता है वो हमेशा द्वितीय भाषा का ही होगा, ठीक है, या तो द्वितीय भाषा होगी या फिर इसको हम कहते हैं मानक भाषा, या तो द्वितीय भाषा या मानक भाषा। और द्वितीय भाषा तो आप सबको पता है, लेकिन मानक भाषा में अगर आप कंफ्यूज हैं तो उसको समझो, जो आपकी प्रथम भाषा होती है, जिसको हम घर पे ही बोलना पढ़ना, पढ़ना नहीं बोलना और सुनना सीख जाते हैं, यानी कि बातचीत करना, तो उसको हम व्याकरणिक रूप से नहीं सीखते, उसको हम सामाजिक रूप से सीखते हैं। अगर हमारे भाषा हमारे समाज में खड़ी बोली बोली जाती है तो हम वही सीख जाएंगे, अगर भोजपुरी बोली जा रही है तो हम भोजपुरी सीख जाएंगे। तो अपने समाज में हम सिर्फ बोलना सीखते हैं, उसके व्याकरण को नहीं समझते या उसके शुद्ध रूप को नहीं समझते। जब हमारी प्रथम भाषा को ही, मातृभाषा को ही स्कूल में व्याकरणिक रूप से पढ़ाया जाता है, शुद्धतम रूप से पढ़ाया जाता है कि कहाँ पे मात्रा आएगी, कहाँ पे कोमा लगेगा, सब चीजें कैसे उसको उच्चारित करना है सही ढंग से, तो उसी भाषा को मानक कह देते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो मानक है ये प्रथम भाषा का ही स्कूली रूप है, एक तरह से ये समझ लो। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर कौन सा राइट हो जाता है आपका, द्वितीय, यानी के सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया, एक बार कमेंट करके बता दो जरा, अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में यस लिख दो फटाफट से। हाँ जी, कब से स्टार्ट किया है क्लास, अभी अभी क्या है, बस 10 मिनट हुए होंगे मुश्किल से। वीडियो को लाइक करते रहो भाई, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, ठीक है। देखो अगला प्रश्न आपका, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि वह मुख्यतः, पहला ऑप्शन है अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं, दूसरा है आपका नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान सीखा जाए समझे जाए, और सी है आपका नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, और डी है ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, कमेंट करके अपना आंसर देंगे आप। चलिए फटाफट से, हाँ यस सर आ गया है आपका, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ मैथिली बोली जाती है, अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पे बात करें हम तो संप्रेषणात्मक से उपागम से रचनावादी उपागम, तो रचनावादी उपागम जब भी आपका आएगा तो बस एक बात याद रखना, ये आपका सीडीपी में भी आता है और सब्जेक्ट में भी आता है, रचनावाद है कुल मिला के, और जब रचनावाद आता है तो ये प्रक्रिया पे आधारित होगा आपका, यानी कि करके सीखने पे आधारित होगा, ठीक है, करने पर आधारित होगा ये। जब आप रचनावादी की बात करते हैं तो रचनावाद कहते उसे हैं जिसमें बच्चा खुद से ही ज्ञान का निर्माण करता है, यानी कि आप उसको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि बच्चा खुद से ही एक्टिविटी करे। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को पौधे के बारे में समझाना है, तो आप उसको ब्लैक बोर्ड पे चित्र बना के या वीडियो फिल्म दिखा के या पीपीटी दिखा के सिखाने की बजाय आप क्या करें कि बच्चे को गार्डन में लेके चले जाओ, बगीचे में लेके चले जाओ, वहां पे पौधा असली होगा, वहीं पे सिखाओ उसको, या उसी से कहो कि एक बीज बो और उसमें पानी डालो और देखो किस तरह से जो है वहां से पौधा उगता है, तो वो प्रैक्टिकली होगा, यानी कि आपने सिर्फ वातावरण बना दिया और बच्चा खुद से करके ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो ये तरीका होता है रचनावाद आपका, तो यहाँ पे भी यही होगा आपका, क्या होगा, रचनावाद जो होगा वो अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए आपके, प्रक्रिया के दौरान यानी कि एक्टिविटी के दौरान, नियम पहले ही नहीं सिखा देंगे, बच्चे को माहौल देंगे ताकि बच्चा भाषा अर्जन का माहौल उसको देंगे, जैसे कि माहौल किस तरह से बनाया जाता है क्लास में, कि एक तरफ तो आपने कहीं पे चार्ट पेपर लगा दिए जिसपे कोई कविता लिखी हुई है, एक तरफ आपने चित्र लगा दिए, चित्रों के माध्यम से ही कोई कहानी को बयान किया गया है, शेर वाली कहानी है तो वहां पे चित्र लगा दिया आपने, उसी प्रकार से कहीं आपने चर्चा चर्चा करना स्टार्ट कर दिया क्लास में, या ग्रुप्स बना दिए जिसमें बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमने एक तरह से वातावरण क्रिएट कर दिया, और ये वातावरण क्रिएट करने के बाद क्या होगा, उसमें प्रक्रिया होगी और प्रक्रिया में ही बच्चे नियम को अपने आप सीखते चले जाएंगे। पहले से नियम रटवा देना, यानी कि पहले से ही नियम बता देना, ये आपका सही तरीका नहीं होता और रचनावादी तरीका नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज और कहने वाला था मैं, क्या था वो, हाँ ये जो होता है आपका रचनावाद ये आगमन विधि पे आधारित होता है, आगमन और निगमन विधि आपने पढ़ी है ना, आगमन विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण समझाए जाते हैं,
उदाहरण के आधार पे ही बच्चा बाद में नियम बना लेता है। तो ये वो प्रक्रिया होती है आपकी, जो रचनावाद होता है ये आपके आगमन विधि पे आधारित होता है मोस्टली, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि आगमन विधि ही रचनावाद पे आधारित होती है, क्योंकि रचनावाद अपने आप में बड़ी चीज है, आगमन विधि छोटी चीज है, ठीक है। तो नियमों पर आधारित नहीं होगा और ड्रिल और अभ्यास पे भी आधारित नहीं होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, आप अपनी क्लासों का टाइम बता दीजिए। अच्छा हाँ, मैंने टाइम नहीं बताया था आपको क्लास के स्टार्ट में, चलो आपने अच्छी याद दिलाया। 3 बजे आपकी डेली लाइव क्लास होगी, आपकी शाम कह लो या दोपहर कह लो, मतलब दोपहर के बाद 3 बजे डेली लाइव क्लास होगी आपकी। और एक क्लास और स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आज तो एक ही है, कल से 2 करेंगे, तो एक 3 बजे होगी, फिर दूसरी क्लास आपकी 4 बजे होगी, ठीक है। इस तरह से आपका होगा, बाकी जो भी और क्लास ऐड करते रहेंगे उनका हम बताते रहेंगे आपको। हम आपका वीडियो फोरन में रहकर देख रहे हैं, अच्छा अच्छी बात है, कहीं से भी देखो बस देखते रहो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अगला प्रश्न आपका है, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका रचनात्मक उपागम, दूसरा है आपका आदेशात्मक उपागम, तीसरा है आपका वर्णनात्मक उपागम, और चौथा ऑप्शन है आपका संरचनात्मक उपागम। तो चलिए बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कमेंट पे आंसर लिखेंगे आप, फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे। हाँ जी प्रवीण सिंह जी, प्रवीण सिंह जी बोल रहे हैं, अरे भाई लोग इनका क्लास कितना भी देख लो सीटेट नहीं निकलेगा, पूरे यूट्यूब पे सबसे बकवास चैनल है। थैंक यू भाई, केवल आसान क्वेश्चन कराया जाता है ताकि सबको अच्छा लगे। प्रवीण सिंह, प्रवीण सिंह जी चलिए आपकी इस तारीफ का शुक्रिया, लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझ लो, मुझे जो लगता है पहली चीज तो यह है कि आप सीटेट के एस्पायरेंट है नहीं, वरना ये कमेंट करना आपको शोभा देता नहीं। और दूसरी बात यह है कि 86% रिजल्ट देना चैलेंज है, अगर आप खुद भी पूरे इंडिया में से ढूंढ के ले आओ जिसने 86% सीटेट में रिजल्ट दे दिया हो, और आप कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब कोई फायदा नहीं है। और वैसे मैं आपसे बात ही इस मुद्दे पे क्यों कर रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्हें सबको पता है कि हमारी क्लासेस किस बेस पे चलती हैं और किस तरह की क्लासेस हम करते हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स को सबको पता है, ठीक है। तो आपको टिप्पणी देने की इसकी जरूरत नहीं है, और जिन लोगों को तैयारी, या आपको अगर तैयारी नहीं करनी, आपको लगता है कि चैनल अच्छा नहीं है, आपको लगता है टीचर अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप कहीं और जाके तैयारी कर सकते हैं, इसमें मेरे मेरे को कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप वो करें। जिनको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, जिनको विश्वास है, वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है, आप या आप जैसे लोग कितने भी कोशिश कर लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारे स्टूडेंट और हमारे बीच में जो बॉन्डिंग है वो हमेशा रहेगी और हमेशा से रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो क्वेश्चंस है ये आपका 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो अपनी तरफ से बनाए हुए क्वेश्चंस है नहीं जो आसान या कठिन होंगे, जैसे सीटेट के प्रश्न बनाए जाते हैं वही सेम टू सेम प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपको इसमें समझाने में दिक्कत है तो बताओ ना, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, बाकी चलिए छोड़िए टाइम क्यों वेस्ट करें हम आपकी बातों में। चलिए भाई, तो किसके अंतर्गत हम लोगों को सुझाव देने की बजाय सीधे सीधे कहा जाएगा कि उन्हें क्या करना है। अब यहाँ पे एक चीज साफ सुथरी लिखी हुई है कि सीधे सीधे कहा जा रहा है, यानी कि जब आपको कोई भी बात कह रहे हैं सीधे सीधे क्यों नहीं कहते भाई, आप जैसे कन्वर्सेशन करते टाइम पे कहते हैं कि बातों को घुमा क्यों रहे हो, सीधे सीधे बोलो क्या कहना चाह रहे हो, तो वो आपसे कहेंगे, वो आपसे कुछ भी कहेंगे, अरे यार दुकान से जाके जरा एक सामान लाना था वो लेके आ जाओ, ठीक है। तो आपने क्या किया, उनको आदेश दे दिया आपने, या अगर कोई टीचर है वो बच्चों को कहेगा तो वो सीधे सीधे क्या बोलेगा कि अपनी किताब निकालो और ये वाला चैप्टर निकालो और ये सवाल सॉल्व करो आप, ठीक है। तो उसने आदेश दे दिया, तो जब बात सीधे सीधे कहा जाती है तो वो आदेशात्मक उपागम हो जाता है, और ये आदेशात्मक उपागम हालांकि टीचिंग में बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की, तो वहां पे निर्देश देना या आदेश देना इतना अच्छा उपागम नहीं माना जाता, वहां पे करके सीखने पे हम डिपेंड रहते हैं कि बच्चों को प्रक्रिया के माध्यम से सिखाया जाए, लेकिन जो सवाल पूछा गया है उसी के हिसाब से आंसर देंगे। तो जब बात सीधे सीधे कहने की हो तो उसको आदेशात्मक उपागम कहा जाएगा। रचनात्मक तो करके सीखना होगा आपका, है ना, वर्णनात्मक जिसमें एक्सप्लेनेशन हो, कोई भी एक टॉपिक है उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, उसको नेरेट कर रहे हैं, तो वर्णन हो गया आपका। और संरचनात्मक भी, रचनात्मक और संरचनात्मक लगभग एक जैसा ही होता है, तो यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन आपका, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, आपके कमेंट भी देख लेता हूँ एक बार। हाँ ऐसे कमेंट करने वाले बहुत होते हैं सर, एक टीचर की गरिमा क्या जाने, पी के ब्लॉग। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये कोई नई चीज थोड़ा है, इस तरह से तो आते जाते रहेंगे लोग, है ना। डाउट हो तो वो पूछो, आपको कोई भी कुछ भी लगे तो। आप कोई पेड कोर्स नहीं कराते हो सीटेट के लिए ऐप पर? सीटेट के लिए पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, सीटेट के लिए आपको यहीं पे यूट्यूब पे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। अगर लगेगी जरूरत तो हम बता देंगे आपको बाद में, फिलहाल मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको यहीं पे कंप्लीट करा दूंगा। वहां से आप नोट्स ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज आपको वहां पे अवेलेबल कराएंगे, बाकी क्लासेस सारी आपकी यूट्यूब पे करा दूंगा मैं, एक भी चीज नहीं छूटेगी, कंप्लीट कोर्स आपको यहीं पे हो जाएगा, तो इसकी चिंता मत करो आप। देखो प्रश्न है आपका, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थी की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? अधिग्रहण, अभिग्रहण कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे, या मूल्यांकन या समीक्षा करना? तो बताओ यहाँ पे क्या कहेंगे आप उसको। चलिए आपके कमेंट भी देखता हूँ। बी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर लोगों का, ठीक है। एक का सी आया है, चलो बताओ फटाफट से। रिजल्ट कब है सर? रिजल्ट पे अभी बात कर लेंगे, क्लास के अंत में बात कर लेंगे। देखो अगर बात करें तो जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, ठीक है, परिवर्तन जब होता है यानी कि जब बदलाव होता है आपका, तो यहाँ पे हम इसके लिए दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक तो होता है अनुकूलन और दूसरा होता है समायोजन। क्या होता है? समायोजन। कुल मिला के बात यह है कि जैसे जो आपकी क्लास का माहौल है या जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपकी किताबें हैं या आपका टीएलएम है, जो भी है, बच्चों के हिसाब से अगर बना रहे हैं हम उसको, तो उसको अनुकूलन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे, या फिर समायोजन कहेंगे, या तो एडजस्टमेंट कहेंगे उसको आप, है ना, या फिर आप उसको अनुकूलन कह देंगे जब आप बच्चों की आवश्यकता के अनुसार किसी भी चीज में परिवर्तन करते हैं। जैसे एक इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे मौसम होता है, तो मौसम को भी हम कई बार कहते हैं कि ये जो जैसे बरसात का मौसम है तो वो धान की फसल के अनुकूल होता है। ऐसा सुना है आपने कि बरसात का मौसम जो है वो चावल की खेती के लिए अनुकूल होता है, या फिर जाड़ों का जो मौसम है वो सेब की खेती के लिए अनुकूल होता है, या हम अपने लिए भी कह देते हैं कि मुझे ठंडा मौसम ज्यादा पसंद है। तो अनुकूलन का मतलब यही है कि किसी के अनुसार बिल्कुल सही तरीके से करना। मूल्यांकन तो आपका पता ही, आपको परीक्षा लेना या आपका जांच करना, उसको मूल्यांकन कह देंगे। समीक्षा करने का मतलब होता है आपका, समीक्षा भी जांच ही होती है, लेकिन इसमें सही और गलत छांटे जाते हैं, यानी कि जैसे कोई विद्यार्थी है तो उसके अच्छे पक्ष क्या हैं, उसके बुरे पक्ष क्या हैं, या कोई थ्योरी है या कोई सिद्धांत है तो उस सिद्धांत के सही पक्ष क्या है और गलत पक्ष क्या है, इन दोनों में अंतर करने को समीक्षा कहते हैं आप, ठीक है। अभिग्रहण होता है आपका वही जिसको अर्जन कहते हैं, यानी कि ग्रहण करना, सीखना, किसी भी चीज को एक्वायर करना, उसको अभिग्रहण कह देंगे। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, योगात्मक आकलन क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक है, दूसरा है आपका विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, तीसरा है आपका शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, और फोर्थ है आपका शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कमेंट में आंसर लिखो फटाफट से। सर एग्जाम में मेरा लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी था और मैंने इंग्लिश के आंसर दिए थे, जिस कारण से मेरा दो पेपर, सेकंड पेपर, अच्छा आगे तो आपने लिखा नहीं कुछ, तो इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अगर अगर ऐसा हो जाता है कई बार कि सेम क्वेश्चन हो और उसके आंसर भी सेम ही हो रहे हो, तो वो पक्के की बात है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज थी आपकी और आपने कर दी सेकेंड लैंग्वेज सॉल्व, तो अगर कई बार ऐसा हुआ कि पांचवे क्वेश्चन का आंसर बी ही था फर्स्ट लैंग्वेज में भी और सेकंड लैंग्वेज में भी, तो तब तो आपको नंबर मिल जाएगा तुक्के से, अदरवाइज आपका नंबर तो गड़बड़ हो ही जाएंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये गलती बहुत बड़ी गलती है। हाँ जी
चलो सर, पेड कोर्स अवेलेबल है क्या? नेहा साहू। अच्छा, सीटेट के पेड कोर्स की बात कर रहे हैं आप? अभी किसी ने और भी किया था। चलो अभी बात करेंगे। देखो यहाँ पे बात करें, अगर योगात्मक आकलन क्या है आप? देखो योगात्मक आकलन जो होता है, एक होता है आपका रचनात्मक आकलन, या उसको हाँ रचनात्मक आकलन कह सकते हैं, और दूसरा होता है आपका योगात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन जो होता है वो तो आपका पूरे साल भर चलता है निरंतर, यानी कि बीच बीच में जो आप टेस्ट लेते हैं, टेस्ट मतलब लिखित रूप से ही नहीं, आपके कई तरीके हो सकते हैं, चाहे आप ऑब्जर्वेशन के द्वारा करें, चाहे आप बातचीत करके करें बच्चों से, या सवाल जवाब करके करें। तो जो बीच बीच में जो आप मूल्यांकन करते रहते हैं वो तो रचनात्मक हो गया। लेकिन जब आप साल के अंत में करते हैं या 6 महीने के अंत में करते हैं, साल में 2 बार, तो वो आकलन होता है आपका योगात्मक आकलन, जो साल के अंत में किया जाता है। ठीक है, अब जो अंत में किया जा रहा है, जिसको हम परीक्षा कहते हैं, तो वो इसलिए होती है ताकि पूरे साल भर बच्चे ने क्या सीखा है उसका प्रतिपुष्टि लें हम, और उसके आधार पर ये निर्णय लेते हैं कि इसको अगली कक्षा में भेजना है या नहीं भेजना है। मतलब पास और फेल करने वाला सिद्धांत यहाँ पे आप लागू करते हैं। तो ये जो योगात्मक आकलन है, ये शिक्षार्थी के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि अब आपका डिसीजन आप लेंगे लास्ट में, साल के अंत में डिसीजन आप लेंगे कि इसको जो है पास करना है बच्चे को या फेल करना है, या अगली क्लास में भेजना है या नहीं भेजना है। तो ये योगात्मक आकलन निर्णय लेने के लिए किया जाएगा। अब निदानात्मक जो होता है आपका, वो होता है बच्चे की गलतियों की पहचान करने के लिए। जैसे बच्चे को आपने कोई भी पार्ट पढ़ाया, कोई चैप्टर पढ़ाया, और उस चैप्टर के अंत में उसी टाइम पे हैंड टू हैंड, यानी कि जैसे आपका मान लीजिए आधे घंटे का पीरियड है जिसमें आप पढ़ाते हैं, आधे घंटे का आपका काल है, जो घंटा होता है ना, कि पहले हिंदी का पीरियड लगेगा फिर इंग्लिश का लगेगा, तो उस आधे घंटे में आपने जितना भी पढ़ाया, 20 मिनट 25 मिनट जो भी पार्ट पढ़ाया आपने, उसकी जांच करते हैं आप लास्ट के 5 मिनट में कि बच्चे ने वो पार्ट सीख लिया है या नहीं सीखा है। तो लास्ट में जो जांच करते हैं आप, उसी को निदानात्मक आकलन कहते हैं आप। ठीक है, उपचारात्मक उसको ठीक करना होता है। जैसे आपने वो जांच की और आपको पता चला कि उसमें जो है बच्चे ने कोई चीजें ऐसी हैं जो सीख नहीं पाया बच्चा, या कहीं पे बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो आपने जांच कर ली, अगले दिन आप क्या करेंगे, उसी टॉपिक को दोबारा से पढ़ा देंगे, जो जो गलतियां हुई हैं, जो जो बच्चे ने नहीं सीखा उसको दोबारा सिखाएंगे। तो ये जो दोबारा सिखाने की प्रक्रिया है, इसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, जो ये लिखा। ठीक है, बाकी फीडबैक देना भी इसका काम नहीं है। फीडबैक देना जो होता है वो रचनात्मक आकलन का काम होता है, हालांकि इसका भी होता है, लेकिन इसका मेन काम निर्णय लेना होता है लास्ट में सबसे ज्यादा। सक्रिय सहभागिता इसमें बच्चों की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसमें हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि बच्चे की पूरा प्रैक्टिकली ही उसकी जांच की जाए, उससे सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से भी हम योगात्मक आकलन कर पाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा उपागम समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं? तो पहला हो गया आपका समग्र भाषा, दूसरा रचनावादी, तीसरा है आपका संप्रेषणात्मक, फोर्थ है आपका व्यवहारवादी। तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कमेंट में आंसर। हाँ जी, चलिए अपना क्लास करेगा या बात करेगा, कौन बात कर रहा है भाई? सीटेट के बोथ पेपर देना कंपलसरी है क्या? नहीं, बोथ पेपर देना जरूरी नहीं है, वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। बाकी जो बीएड किए हुए लोग हैं वो सेकंड पेपर ही दो, फर्स्ट पेपर देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आप एलिजिबल होंगे नहीं, है ना। बाकी डीएलएड वाले और बीटीसी वाले और डीएड वाले डिप्लोमा वाले फर्स्ट पेपर दे सकते हैं, और डीएलएड वाले और बीटीसी वाले सेकंड भी दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए सर आपका। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बताया नहीं आज, वैसे क्लासेस में आपको मिल जाएगा, मैं अभी आपको बता दूं। अच्छा, यहीं पे लिख देता हूं मैं, लो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल इस पे लगेगी नहीं क्योंकि कॉल इस पे अलाउड है भी नहीं, तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना आप जो भी आपके डाउट्स होंगे। देखो अगर बात करें यहाँ पर, किस उपागम के अंतर्गत बच्चे को कई कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी समग्र भाषा उपागम प्रयोग के आधार पर अच्छे अंक दिए जाते हैं, तो यहाँ पर समग्र भाषा उपागम ही हो जाएगा आपका, है ना।
रचनावादी आपका होता है जिसमें बच्चा करके सीखता है। संप्रेषणात्मक ये सिर्फ आपका बातचीत करने पर आधारित होता है, यानी कि बोलने पर आधारित होता है, बच्चा बोलता है सुनता है। व्यवहारवादी में आपका बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता, व्यवहारवाद में बाहर से इन्फ्लुएंस किया जाता है, यानी कि किसी बाहरी चीज से ही उसके व्यवहार को परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है। तो व्यवहारवाद सीटेट में तो चलता नहीं है, ये वैसे भी निगेटिव ही रहेगा। सीटेट में आपका चाहे सीडीपी में आ जाए, चाहे मैथ पेडागोजी में आ जाए, व्यवहारवाद आपका हमेशा निगेटिव ही रहेगा, है ना। सीटेट में रचनावाद चलता है, ये नहीं चलता। फिलहाल यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, समग्र भाषा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाएगा? सरसरी तौर पर पढ़ना, या फिर बारीकी से पठन करना, या फिर एक्सट्रापोलेशन यानी कि पाठ से बाहर जाना, और फोर्थ है आपका विश्लेषण करना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में आंसर लिखेंगे आप। हाँ जी, सुपर टेट की क्लास कब से चलेगी? सुपर टेट की क्लास भी आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सीटेट कब होगा? वो नेक्स्ट सीटेट आपका यही जुलाई में होगा लगभग, आपका जुलाई के अंत तक, जुलाई के एंड में, स्टार्टिंग में तो मुश्किल है। मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहती हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, आप पेड क्लास आएगा आएगा प्लीज सर। अगर पेड कोर्स हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल अभी आप जो है अभी ये यूट्यूब वाली क्लासेस करो, ये भी पूरी आपकी जो है स्टार्टिंग से ही चल रही है, बेस बना के ही चलेंगे, है ना। तो टेंशन मत लो, यहाँ से भी आप पूरी क्लास पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो हम उसको बारीकी से पठन करेंगे उसको, है ना, बारीकी से पठन करेंगे। और इसमें आपका मौन पठन भी आता है, मौन पठन को भी आप बारीकी से करते हैं, लेकिन मौन पठन को छोड़ दो फिलहाल के लिए। तो क्योंकि जब हम किसी सूचना को ढूंढते हैं, देखो, और इसमें दो चीजें हैं, एक तो है आपका सरसरी तौर पर पढ़ना। तो सरसरी तौर पर जब हम पढ़ते हैं तो हम उस पूरी जो सामग्री है उसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये लो कि कोई स्टोरी है, कोई कहानी है ना, और उस कहानी को हम हर लाइन को बिल्कुल बारीकी से ना पढ़ के, अगर हम उसको सरसरी तौर पे ऐसे ही छोड़ छोड़ के, कुछ शब्द और एक लाइन यहाँ से पढ़ी, फिर एक लाइन छोड़ भी दी अगर हमने, और उस कहानी का सार हमें समझ में आ गया कि ये कहानी कहना क्या चाह रही है, इस कहानी का पूरा मतलब हमें समझ में आ गया, तो उसको तो कह देते हैं हम सरसरी तौर पर पढ़ना। लेकिन अगर हम किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि सीटेट का कोई प्रश्न है, अब उसका उत्तर हमें ढूंढना है कि उसका उत्तर सही कौन सा है, तो हम किताब का चैप्टर खोलेंगे, चाहे कोई सिद्धांत है, मान लीजिए हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत है, अब उस पूरे सिद्धांत में चाहे वो एक चैप्टर एक पेज का हो या दो पेज का, उसकी हर लाइन को पढ़ेंगे, हर लाइन को अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे, हर लाइन को बिल्कुल एक एक शब्द को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन सी लाइन में हमारा उत्तर लिखा हुआ मिल जाए हमें। तो जब हम बिल्कुल बारीकी से इस तरह से जांच करते हुए पढ़ते हैं किसी चीज को, विशिष्ट सूचना को ढूंढ रहे हैं, अब हम किसी विशिष्ट जानकारी को ढूंढ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे बारीकी से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विश्लेषण होता है जांच करना, एक्सट्रापोलेशन पे यहाँ पे जा ही नहीं रहे हम, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, अगला प्रश्न आपका, दो उत्पादक कौशलों में कौन कौन से शामिल होंगे? तो पहला है आपका पठन और लेखन, दूसरा है श्रवण और वाचन, तीसरा है श्रवण और पठन, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा वाचन और लेखन। तो बताओ इनमें से दोनों में से इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? हाँ, पहला गुरु जी PYQs 2011 से ऑल सब्जेक्ट करवाइए। हाँ, ऑल सब्जेक्ट आपको करवाएंगे, और अभी PYQs की पूरी सीरीज चलाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। जो मैंने अभी आपको क्लास के शुरू में बताया है, पहले वो देख लें, स्टार्ट कर दो, फिर हम धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर रहे हैं पूरी सब चीजें। सुपर टेट की क्लास कितने बजे से चलेगी? मैं सोच रहा हूँ शाम को 5-6 बजे चलाने की, बाकी देख लेंगे अभी एक बार और डिस्कस करेंगे, या फिर दिन में रखेंगे दोपहर के टाइम, है ना, वो आप लोग ही बता देना कब से करनी है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगेगा। अब बात करें हम उत्पादक कौशल कौन कौन से होंगे, तो चार कौशल हैं आपके, है ना, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना,
ये चार कौशल हैं आपके, और चार कौशल कौन कौन से ये लिखे हुए तो हैं वैसे आपका, बोलना सुनना लिखना पढ़ना, ये चार कौशल होते हैं आपके, भाषा इन्हीं के द्वारा से आपकी सीखी जाएगी। अब इसमें क्या है कि दो प्रकार से इसको बांट दिया, एक तो बांट दिया उत्पादक कौशल में। अब उत्पादक वो है जिसके द्वारा आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उत्पादक भी कहते हैं और अभिव्यक्तात्मक भी कहते हैं इसको। तो ये दो तो ये हो गए उत्पादक या अभिव्यक्तात्मक, जिसके द्वारा आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो जब आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये तो बोल के बताएंगे आप, भाई सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो बोल के उसको अपनी बात समझा दी, या फिर उसको लिख करके दे देंगे आप। तो दो ही तरीके हैं आपके जो जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपनी सूचना दे सकते हैं। तो ये तो बोल करके, बोलने को क्या कहेंगे हम आपका, वाचन कह सकते हैं, और या फिर लिख कर। तो ये वाचन और लेखन तो आपके उत्पादक हो गए यानी कि अभिव्यक्तात्मक हो गए। दूसरे होते हैं ग्रहणात्मक कौशल, कौन से ग्रहणात्मक कौशल। अब ग्रहणात्मक कौशल वो होंगे जिनके द्वारा आप सूचना को प्राप्त करेंगे। उत्पादक के द्वारा तो आप सूचना को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ग्रहणात्मक के द्वारा आप दूसरे की सूचना को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये तो आप सुन के करेंगे, भाई सामने वाले व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो आप सुन रहे हैं, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हैं, तो आप सूचना को ग्रहण कर रहे हैं। तो किस क्या क्या हुआ, ये सुनना जो हो गया वो आपका ग्रहणात्मक हो गया, या तो आप सुन के करेंगे या फिर आप पढ़ के करेंगे। भाई किसी ने कोई किताब लिखी होगी, कोई न्यूज़पेपर छपा है, तो उसको पढ़ करके आप सूचना ग्रहण कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप जो है इस पूरे बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है इसको पढ़ करके आप सूचना प्राप्त कर रहे हैं। तो यह तो एक तो हो गया ये पढ़ करके आप सूचना को प्राप्त कर रहे हैं, दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके। तो यानी कि पढ़ना और सुनना, पढ़ना और आपका सुनना, ये दो क्या हो गए, ये आपके हो गए ग्रहणात्मक। तो ये दो ग्रहणात्मक हो गए, और बोलना और लिखना आपके क्या हो गए, ये अभिव्यक्तात्मक हो गए। बस ये दो ही प्रकार के होते हैं, चार कौशल होते हैं, कौशलों से यही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी टॉपिक जब हम करेंगे उसमें सारा डिस्कशन करते रहेंगे। 2 बजे से तौसीफ एम अंसारी बोल रहे हैं 2 बजे से क्लास करना चाहिए। अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन BBA में किया है तो मैं सेकंड में क्या लेना चाहिए, साइंस मैथ या सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज आएगा, ठीक है। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो अब अगला प्रश्न है आपका, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश, अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। तीसरा है औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, और फोर्थ है आपका औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर लिखो। चलिए फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे। हाँ जी, जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखते रहे भाई, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, मैं कह नहीं रहा हूं तो। हाँ क्या हो गया, नाराज हो गया भाई, जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई, जिन्होंने भी नहीं किया अभी तक। हमारे 500 लाइक आज कंप्लीट होने चाहिए कम से कम लाइव क्लास में। तो एक बार कमेंट को नीचे करके कट करके फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो। देखो प्रथम भाषा कौन सी होगी आपकी, अभी अभी हमने पहला ही क्वेश्चन इसके बारे में आया था और मैंने पूरा आपको डिटेल के साथ समझाया था। प्रथम भाषा का अर्जन होता है ना, भाषा अर्जन एक होता है भाषा अधिगम, तो इसका क्या हो जाएगा, ये होगा अर्जन। जो भाषा घर पे सीखी जा रही है यानी कि आपकी मातृभाषा, उसके अर्जन होगा। अब अर्जन में ये बात पता है हमें, इसमें कोई नियम कानून नहीं होता, इसमें कोई थ्योरी नहीं होती, ये बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है। तो विशेष प्रयास से प्रयास की जरूरत नहीं है, प्रयास की जरूरत ही नहीं है आपकी, ठीक है। बिना प्रयास के सीखता है बच्चा, बिना प्रयास के आप अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करता है। यानी कि जो भाषा आपकी प्रथम भाषा है, हम सीखते तो अपने आसपास से ही, अपने परिवार से, अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से, इन सब से ही भाषा अर्जित करता है बच्चा प्रथम भाषा। लेकिन वहां पे कोशिश नहीं करनी पड़ती, बच्चा कोई अपनी तरफ से मेहनत थोड़ी करता है, बच्चा तो ऑटोमेटिक तरीके से सीख जाता है। आप लोगों ने जब सीखी है, आप खुद भी इमेजिन करो कि जब हमने पहली भाषा अपनी सीखी थी, चाहे आपकी हिंदी भाषा है, चाहे पंजाबी है, जो भी आपकी मातृभाषा है, जब हमने मातृभाषा को सीखा था तो हमने कोई एफर्ट थोड़ा लगाए थे, हमें तो पता भी नहीं हमने कैसे भाषा सीखी जो होगी, याद भी नहीं है हमें, बस सीख ली ऐसी अपने आप ही। तो ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है आपकी, ठीक है। औपचारिकता की जरूरत नहीं होती इसमें, औपचारिकता की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई नियम कानून नहीं होता, बस अच्छा बच्चा स्वाभाविक और सहज रूप से सीखता चला जाता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? पहला ऑप्शन है आपका स्वर विज्ञान, दूसरा है आकृति विज्ञान, तीसरा है स्वानिकी, फोर्थ है आपका वाक्य विन्यास। तो बताओ यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से लिखेंगे। हाँ जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम स्वीटी जी। ये क्लास 6 to 8 के है क्या? हाँ हिंदी तो आपकी कॉमन है, फर्स्ट सेकंड दोनों की एक ही रहेगी, कोई अंतर नहीं है। अभी भी आप हिंदी पेडागोजी का देखा है, पेपर एक जैसा ही है, सारे टॉपिक सेम ही आते हैं, सिलेबस भी सेम ही है, कोई अंतर होता ही नहीं। देखो ध्वनि का जो बोध कराता है, ध्वनि की जब भी बात आएगी ना ध्वनि की, तो हमेशा आप किस पे जाएंगे? स्वानिकी। स्वानिकी ही वो भाषा का वो रूप है जिसके अंदर हम किस तरह से उच्चारण होता है। जैसे ये अक्षर है आपका, मान लीजिए ये, तो इसकी ध्वनि क्या निकलेगी? इसकी ध्वनि माँ। इसकी ध्वनि क्या निकलेगी? माँ। तो ये जो ध्वनि कौन से अक्षर की क्या ध्वनि निकलेगी, आपस में अगर इसको मिला दी, अब मान लीजिए इसके आगे मैं एक मात्रा और लगा दूं, तो इसकी क्या ध्वनि निकलेगी? ये सारा अध्ययन किसके अंदर आ जाता है आपका? ये स्वानिकी के अंदर आ जाता है। ठीक है, बाकी वाक्य विन्यास जो होता है आपका, उसके अंदर वाक्य की संरचना, कहाँ पे क्रिया आएगी, कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे कोमा आएगा, कहाँ पे डंडा लगेगा आपका, ये सब चीजें वाक्य विन्यास के अंदर आ जाता है आपका। आकृति विज्ञान भी वाक्य विन्यास का ही दूसरा रूप है, और स्वर विज्ञान भी स्वानिकी का दूसरा रूप है। हालांकि स्वर विज्ञान में थोड़ा सा अंतर होता है, इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड है, ये मैं आपको लेक्चर वीडियो में बताऊंगा सारी चीजें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं, इसमें और भी कई सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो ये पूरा ग्रामेटिकल सिस्टम है, तो इसको मैं लेक्चर वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, तो इससे आगे का अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है आप, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए बताइए फटाफट से। चलिए जिसका भी कोई डाउट हो तो फटाफट से एक बार मुझे बताओ कमेंट करके, उसके बाद हम क्लास को फिनिश करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर करना, जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, है ना, तभी आपको क्लासेस मिलेंगी, नई क्लासेस। और जिन लोग जो लोग भी नए हैं तो वो इस ऐप को डाउनलोड कर लो, हमारा एसए टीचर अकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, तो नोट्स जरूर ले लेना, नोट्स बहुत जबरदस्त हैं आपके और जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर आपका नोट्स में से फंसा हुआ आ रहा है हर साल, अभी भी ये वाला भी पूरा नोट्स में से आया है, मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा किसी दिन फ्री टाइम में, बल्कि मैंने पिछले साल वाला जो पेपर है वो आपको मैच करके दिखाया हुआ भी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपकी क्लास सिर्फ सुनती हूँ क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मुझे सीटेट पास करना है, मुझे बताइए सर क्या क्या और कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ने से पास कर सकती हूँ। अगर आप सुन भी रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल ही रही हैं, क्योंकि जो भी मैं बातें आपसे बोल रहा हूँ तो सुनना भी ठीक है अगर आप देख नहीं पा रहे हो, और इसके अलावा देखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि केवल सुनने से ही काम चल जाएगा, या तो आप नोट्स पढ़ो, और क्लासेस भी अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात में किसी भी टाइम पे पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको दिलासा कभी नहीं दूंगा कि केवल सुन सुन के ही काम चल जाएगा, सुनना प्रैक्टिस देगा आपको, सुन करके भी आप सीखेंगे चीजों को, लेकिन एक बार आप देखेंगे जरूर, क्योंकि देखने से ही आपको अक्षर का जो इमेज होती है वो हमारा दिमाग में छपती है, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है, पिक्चर्स में काम करता है, ये एक थ्योरी है अलग से, लेकिन मैं आपसे कहूंगा देखना जरूर पड़ेगा आपको, देखे जरूर आप। ठीक है सर, मेरा 88 मार्क्स है। अच्छा जनरल से हो, SST बहुत वीक है, SST क्लासेस, SST करेंगे बिल्कुल शुरू से ही करेंगे हम, है ना, 2 बजे से सही रहेगी क्लास। अच्छा सुपर टेट वाले कौन कौन है जरा बताओ, और बताओ कितने बजे से क्लास आपकी स्टार्ट करें। सर जी कॉन्सेप्ट क्लास कब चालू करेंगे? बस कल परसों से कॉन्सेप्ट वाले भी स्टार्ट करेंगे, साथ साथ ही लेके चलेंगे। HP का JBT का कमीशन की तैयारी करवा दोगे या नोट्स मिल जाएंगे? JBT कमीशन की तो हमारे पास अभी कोई क्लास नहीं है फिलहाल, बाकी सिलेबस देख लेना, अगर आपका सिलेबस मैच होता है आपका सीटेट से, मुझे व्हाट्सएप मैसेज, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है क्लास के बीच में,
तो मैं आपको एक बार और बता दूं, उस पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, सिलेबस भेज देना उस पे, ठीक है? तो मैं सिलेबस देख के आपको बता दूंगा एक बार। बाकी अगर ऐप डाउनलोड करने में या नोट्स परचेज करने में वहां से कोई दिक्कत आपको आती है तो आप यहां से भी व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं, है ना? ठीक है, ये नोट कर लो, सब लोग नंबर सेव कर लो, और ग्रुप में भी ऐड हो जाना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, तो ग्रुप में ऐड हो जाना, वहां पे भी नोटिफिकेशन आपको भेजते रहे, है ना? रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तो आपका 20 तारीख से पहले पहले आ जाएगा, मतलब अभी 13 तारीख है आज, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन में भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, 20 तारीख से पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है? और कुछ? इस बार साइंस भी करा दीजिएगा, साइंस कराएंगे आपको, बिल्कुल। बिहार में हैंडीकैप्ड वालों को सीटेट में कितना नंबर चाहिए? देखो, बिहार का स्पेशल मुझे पता नहीं है वैसे कि बिहार में वो लेते हैं या नहीं। बाकी सीटेट की अगर बात करें तो एसटेट वाला जो है और बीटेट वाला जो है वो बिहार का है ना? एसटेट आपका और आपका बीटेट, ये आपका बिहार का अपना है, तो इसमें वो ले सकता है आपको 75 नंबर पे अगर आप हैंडीकैप्ड हैं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं ना सीटेट की, तो सीटेट में नहीं लेगा वो, क्योंकि सीटेट जो है वो बिहार का एग्जाम है ही नहीं, सीटेट तो आपका सेंट्रल लेवल का है। तो इसमें अगर आप जनरल में हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, बाकी आप अदर्स में चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप ओबीसी हैं, SC ST हैं या आप डिसेबल्ड पर्सन हैं, सभी को 82 नंबर चाहिए। अगर आपके 81 भी आएंगे तो आपको फेल लिख देगा वो, आप क्वालिफाइड लिखेगा ही नहीं सीटेट पे, तो फिर सीटेट आपका मान्य ही नहीं रह जाएगा, आपका सर्टिफिकेट भी नहीं काम करेगा। तो चाहे आप बिहार की बात करें या चाहे किसी और स्टेट की, अगर आप अदर में भी है तो आपको 82 नंबर लाने ही पड़ेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, काफी बातें हो गई हैं, बाकी जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट में लिख देना, अगली क्लास में कल को उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वीडियो को लाइक शेयर करके जाना सब लोग। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।